good morning students today we are going to uh, discuss our new practical that is experiment number 12 to prepare and submit 10 gram of effervescent granules okay so a practice requirement for this experiment is glass rod spatula porcelain dish evaporating dish and sieve number 12 and chemical requirement for experiment number 12 is sodium bicarbonate sodium sulfate citric acid tartaric acid okay Next is what is effervescent granule and what are effervescent granules? These are uncoated granules generally containing. एसिड सब्सटांस एंड कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स विच रिएक्ट्स रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एफर्वेसेंट ग्रैन्यूल्स अनकोटेड ग्रैन्यूल्स होते हैं जो जनरली एसिड सबस्टांस को कंटेन करते हैं ओके एसिड सब्सटांस को और कार्बोनेट्स को कंटेन करेंगे एंड जो दोनों आपस में रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और वो रिलीज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को ओके एंड ग्रैन्यूल्स आर सॉलिड डोजेस फॉर्म कंसिस्टिंग वन और मोर एक्टिव मेडिकामेंट इन अ ड्राई मिक्सचर यूजली कंपोज ऑफ सोडियम बाई ओके साइट्रिक एसिड एंड टाटरिक एसिड ओके वेन दीज ग्रैन्यूल्स आर एडिड इन वाटर जब इन ग्रैन्यूल्स को वाटर में एड किया जाता है द एसिड बेस रिएक्शन एसिड बेस रिएक्ट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड ओके सो साइट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड एसिड होगा एंड और सोडियम बाय कार्बोनेट एज एल्कली की तरह रिएक्ट करेगा और दोनों एसिड बेस जब रिएक्ट करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट करेंगे रिजल्टिंग इन द एफरबेन्स आर एंड दीज आर एडमिस्टर्ड एज कार्बोनेटेड सॉल्यूशन ओके सो द रिजल्टिंग कार्बोनेटेड सॉल्यूशन मास्क द अनडिज़ायरेबल टेस्ट ऑफ़ मेडिकामेंट ओके एंड दे आर इंटेंडेड टू बी डिजोल्व और डिस्पर्ज इन वाटर बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन ओके उसको एडमिनिस्ट्रेट करने से पहले हमें एफरवेसेंस ग्रेन्यूल को एफरवेसेंट ग्रेन्यूल को डिजोल्व करना पड़ेगा वाटर में ओके सो रीजन्स फॉर मेकिंग एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स ओके तो फर्स्ट वन इज़ इट मास्क अनप्लीजेंट बिटर टेस्ट ऑफ मेडिका एंड It acts as carminative means neutralize the excess acid secretion from the stomach. Okay. So, मैथड ऑफ़ प्रिपरेशन एफरबेसेंट ग्रेन्यूल्स आर प्रिपेयर बाई टू मैथड ओके फर्स्ट वन इज ड्राई और फ्यूजन मैथड एंड सेकेंड वन इज वेट मैथड ड्राई और फ्यूजन मैथड इन फ्यूजन मैथड द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ साइट्रिक एसिड एंड टाटरिक एसिड एक्ट्स एज बाइंडिंग एजेंट फॉर द पाउडर मिक्सचर ओके फ्यूजन मैथड में क्या होगा जो मॉ का मॉलीक्यूल प्रेजेंट है साइट्रिक एसिड और टाटरिक एसिड में वो एज ए बाइंडिंग एजेंट एक्ट करेगा पाउडर मिक्सचर में हीटिंग

वेट मैथड इन दिस मैथड सोर्स ऑफ बाइंडिंग एजेंट इज़ नॉट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम साइट्रिक एसिड बट एल्कोहल एक्ट एज मॉइसनिंग एजेंट वेट मैथड में क्या होगा कि हम आ, यू जो वाटर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओके जो पाउडर फॉर्म ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट हो रहा है क्रिस्टलाइजेशन होगी उसमें साइट्रिक एसिड के वाटर मॉलिक्यूल का कोई रोल नहीं होगा बट एल्कोहल को एज अ मॉइस्निंग एजेंट यूज़ किया जाएगा एंड फॉर्म द मास ऑफ ग्रैनुलेशन, ओके इनफ लिक्विड इज एडेड टू प्रिपेयर ए मास ऑफ प्रॉपर कंसिस्टेंसी देन ग्रैन्यूल्स आर प्रिपेयर्ड एंड ड्राइड ओके सो दीज आर द मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर प्रिपेयरिंग एफरबेसेंट ग्रैन्यूल्स ओके नेक्स्ट इज एफरबेसेंट ग्रैन्यूल्स कंटेन these substances first one is sodium carbonate okay sodium bicarbonate this react with acid when the preparation is added to water okay सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा वो रिएक्ट करेगा जो एसिड प्रेजेंट होंगे ओके द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस द एफरवेसेंस एंड द एफरसेंस रिलीज द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सर्व्स टू मास्क द बिटर टेस्ट ऑफ मेडिकामेंट ओके जो मेडिकामेंट का बिटर टेस्ट होगा उसको मास्क करेगा एंड सेकेंड इन्ग्रीडियंट इज साइट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड द क्वांटिटी ऑफ दिस एसिड इज स्लाइटली हाइयर देन इज नेसेसरी टू न्यूट्रलाइज द सोडियम बाई कार्बोनेट तो इनकी जो क्वांटिटी यूज़ की जाती है वो ज़्यादा यूज़ करी जाती है ताकि वो न्यूट्रलाइज़ कर सके सोडियम बाई कार्बोनेट को एंड कॉज एफरवेट प्रिपरेशन आर मोर पैलेटेबल इफ़ स्लाइटली एसिडिक ओके अगर एसिडिक होगी हमारी प्रिपरेशन तो क्या होगी मोर पेलेटेबल होगी ओके द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ टू एसिड्स इज बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड टू मेक द मिक्सचर सफिशेंटली कोहरेंट ओके सो साइट्रिक है एसिड हैज़ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओके वेन इट इज़ हीटेड ओके साइट्रिक एसिड के पास एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होगा फॉर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए जब इसको हीट किया जाएगा इट लिबरेट्स वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ओके एंड मॉइस्ट कंडीशन दस प्रोड्यूस अलाउ पार्शियल इंट्रैक्शन बिटवीन द एसिड्स एंड द बाई और जिससे क्या होगा एसिड्स और बाय कार्बोनेट्स की इंटरेक्शन uh, होगा ओके सो नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन In, in this chemical reaction, first chemical reaction, when citric acid, this is citric acid as H3C6H5O7 into one molecule of water, okay, when citric acid. Treated with so uh, three molecule of sodium bicarbonate, it gives sodium citrate and four molecules of water and three molecule of carbon dioxide. And when second in second reaction, when tartaric acid is react with sodium bicarbonate two molecule of sodium bicarbonate, it gives sodium tartrate and two molecules of water and two molecules of carbon dioxide. So. आज के एक्सपेरिमेंट uh, में जो फॉर्मूला है फार्मूला गिवन फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इज़ इंग्रेडिएंट्स यूज्ड फर्स्ट वन इज़ सोडियम सल्फेट ओके क्वांटिटी गिवन फॉर वन फोर्टी फाइव ग्राम ऑफ़ एफरवेसेंट ग्रैन्यूल इज़ फिफ्टी ग्राम सो वी हैव टू प्रिपेयर टेन ग्राम ऑफ एफरवेसेंट ग्रैन्यूल ओके सो वी हैव टू कैलकुलेट क्वान्टिटी ऑफ दीज इन्ग्रीडियंट अकॉर्डिंग टू टेन ग्राम ऑफ एफरबेसेंट ग्रैन्यूल्स सो रोल ऑफ सोडियम सल्फेट तो सोडियम सल्फेट यूज एज अक्ट कर रहा है सलाइन लेगिव और परगेटिव की तरह ओके एंड साइट्रिक एसिड इम्पार्स एसिडिक टेस्ट टू द प्रिपरेशन एंड प्रोवाइड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एज ग्रैन्युलेटिंग फ्लूड ओके तो ये इम्पार्ट करेगा एसिडिक टेस्ट एंड प्रोवाइड करता है वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर क्रिस्टलाइजेशन जो कि ग्रैन्युलेटिंग फ्लूड की तरह काम करेगा एंड नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इज टार्टरिक एसिड इट प्रोवाइड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एज ग्रेनुलेटिंग फ्लूड बट कैन नॉट बी यूज्ड अलोन ओके एज़ इट प्रोड्यूस ग्रेन्यूल्स ऑफ पुअर मैकेनिकल स्ट्रेंथ अगर हम टार्टरिक एसिड को अकेले ही यूज करेंगे साइट्रिक एसिड नहीं यूज करेंगे सो so, जो ग्रैन्यूल्स के बीच में मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगा वो पुअर होगा दैट्स वाई वी यूज साइट्रिक एसिड इन दिस प्रिपरेशन नेक्स्ट इज सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट यूज्ड यूज एज अ बेस इन द प्रिपरेशन ओके नेक्स्ट इज प्रोसीजर सो फर्स्ट पॉइंट इज प्लेस अ पोर्सलिन डिश ऑन अ वाटर बाथ विथ डी डिश डीप इन बाथ एंड हीट द बात टू बॉइलिंग पॉइंट ओके जो पोर्सलिन डिश होगी इवेपोरेटिंग डिश होगी उसको हम प्लेस करेंगे वाटर बाथ में ओके सेकेंड पॉइंट इज़ पाउडर्ड वेड अमाउंट ऑफ सबस्टांस एंड मिक्स जो भी हमने पाउडर्ड अपना वेड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट वे किया है उसको हम पोर्सलिन डिश में ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे प्लेस ऑल द पाउडर इन द हॉट पोर्सलिन डिश ऑन ए वाटर बॉइलिंग बाथ ठीक है नेक्स्ट पॉइंट स्टर द मिक्सचर बाय स्पैचुला और स्कूप मिक्सचर को हम स्टर करेंगे बाय स्कूप अंटिल द मिक्सचर हैज़ फॉर्म इधर अ लूज केक और डैम्प कोहरेट मास ओके जब तक हम स्टर करेंगे जब तक जो कि पाउडर मिक्सचर है वो एक लूज केक और डैम्प कोहरेट मास नहीं फॉर्म कर लेता नेक्स्ट पॉइंट इज मिक्स द मिक्सचर कॉन्टिन्यूसली जब हमें डैम मास्क मिल जाएगा देन सीव द रिजल्टेंट कोहेंट मास्क यूजिंग सीव नंबर ट्वेल्व हम उसको सीव से पास कर लेंगे डैम मास्क को एंड आफ्टर सीविंग स्प्रेड द ग्रैन्यूल्स आउट ऑन अ ट्रे इन अ वार्म प्लेस एंड ड्राई फॉर टू टू थ्री आवर्स ओके एंड ड्राई ग्रैन्यूल्स आर इन सुटेबल कंटेनर सो एफरवेट ग्रेन्यूल शुड कीप इन वेल

and take during evaluation of carbon dioxide gas okay next is result the 10 gram of effervescent granules were prepared and submitted successfully okay calculation part for calculation working formula formula is quantity given in standard formula by total quantity in standard formula into required quantity so first ingredient is sodium sulfate फॉर टेन ग्राम ऑफ एफरवेसेंट ग्रैन्यूल सो गीवन क्वान्टिटी वन फोर्टी फाइव ग्राम ऑफ एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स के लिए है सो फर्स्ट इन्ग्रीडियंट सोडियम सल्फेट टू रिक्वायर्ड कोटिटी जो कि गिवन क्वान्टिटी है हमारे पास फिफ्टी ग्राम बाई वन फोर्टी फाइव जो हमारे पास क्या है टोटल क्वान्टिटी है स्टैंडर्ड फार्मूला का इन टू रिक्वायर्ड क्वान्टिटी सो हमें टेन ग्राम ऑफ एफरवेसेंट ग्रेन्यूल प्रपेयर करना है सो बाई यूजिंग दिस फार्मूला हम कैलकुलेट कर लेंगे अपना रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ईच इंग्रेडिएंट ओके सो सो दिस इज द लेबल एंड आफ्टर क्रिएटिंग लेबल यू हैव टू राइट रिजल्ट ऑन बोथ साइड ओके ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ प्रैक्टिकल फाइव यू विल राइट एम formula calculation label and result and on the left right side of practical file you will write aim reference requirement formula theory and procedure storage use and direction for use and result okay that's all for today thank you